बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूज ऑफ पर्सुएसिव अपील्स इन मार्केटिंग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज मिलती रहें। जो अपील्स हैं उसमें सबसे पहले रैशनल अपील्स हैं, जिसमें है यूज ऑफ लॉजिक रीजनिंग फैक्ट्स टू कन्विंस कस्टमर्स। लॉजिक यानी आप बेसिकली रैशनल ब्रेन अपना यूज करते हैं मार्केटर्स लोगों को कन्विंस करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इवन एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। तो इमेजिन इज रियल, इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो कैलकुलेशंस। तो ये इस तरह के मैसेजेस देते हैं एड्स में ताकि लोगों को कन्विंस किया जाए और वो ताकि वो प्रोडक्ट्स को खरीदें। उसके बाद हम देखते हैं इमोशनल अपील्स, यूज ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल मैसेजेस। यहाँ पे आप डाटा के एड में देखते हैं कोई जो रखे प्यार से, तो ये किस तरह से इमोशनल मैसेजेस दिए जाते हैं आप देख रहे हैं कि अभी और कोई आपको रखे ना रखे लेकिन डाटा आपको प्यार से रखेगा। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एड में कोई जो रखे प्यार से। तो इस तरह से जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे रिलेशनशिप्स और इस तरह इमोशनल मैसेज को यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में। उसके बाद आप देखते हैं ह्यूमरस अपील्स, उसमें यूज ऑफ फन, एक्साइटमेंट, ह्यूमर एंड जोक्स टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ एड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैसे ये एड सिंपल भी हो सकता था लेकिन जिस तरह से इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया कि यहाँ पे एक मोटा बंदा खड़ा होता है तो ये ऐड जो है आप देखें इस तरफ से झुक गया और यहाँ से उठ गया। इन प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं है, ये जानबूझ के लगाया ऐसे यहाँ पे गया है, इस तरह से इसको हैंग किया गया है, फिक्स किया गया है, लेकिन है कि ऐड देखे ना किसका है, टाइम फॉर सिल्वरमैन फिटनेस सेंटर। तो अब ये फिटनेस सेंटर का उन्होंने ऐड ऐसे दिया है। तो अब आप ये इस तरह से फन क्रिएट करते हैं, एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, ह्यूमर एंड जोक्स टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ ऐड। क्योंकि जो जब हम फन और प्लेजर क्रिएट करते हैं एड्स के थ्रू, तो लोगों के जो जब प्लेजेंट मूड्स इंड्यूस होते हैं तो हमें साइकोलॉजी बताती है कि जब लोगों के मूड्स प्लेजेंट होते हैं दे आर मोर एक्सेप्टिंग, व्हेन दे आर इन अनप्लेजेंट मूड्स दे आर मोर क्रिटिकल, स्केप्टिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से एड्स में फन, एक्साइटमेंट, ह्यूमर और जोक्स क्रिएट करके लोग अपने पोटेंशियल कस्टमर्स और कंज्यूमर्स में पॉजिटिव मूड्स इंड्यूस किए जाते हैं ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को लाइक करें और उनके बारे में आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन आप डेवलप कर लें। उम्मीद है आपको इसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिली होगी कि किस तरह से मार्केटर्स डिफरेंट एड्स में रैशनल और इसके बाद इमोशनल और ह्यूमरस अपील्स को यूज़ करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।